डूंगरपुर सर्किट हाउस में राज्य मंत्री शंकर यादव व विधायक गणेश घोगरा ने पत्रकार वार्ता की और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने चुनावी जन घोषणा पत्र के 88% वादों को धरातल पर उतारा है। साथ ही फ्लैगशिप व कल्याणकारी योजनाओं के जरिए आमजन को राहत दी है और कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के फायदे गिनाए हैं। साथ ही लंपी वायरस को लेकर कहा कि राज्य सरकार पूरे मामले में संवेदनशील है। इस दौरान केंद्र सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और ईडी सीबीआई को लेकर निशाना साधा। लेकिन जो शहरों में जो बेरोजगार लोग होते हैं, संपूर्ण भारत वर्ष में हमारे जो नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र के जो ज़रूरतमंद गरीब लोग थे, जिनको रोजगार नहीं मिलता था, जो कमज़ोर तबके के लोग थे, एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करके गरीबों के, शहर में रहने वाले गरीब, पीड़ित, मजलूम और ज़रूरतमंद लोग थे, उनके आंसू पूछने का काम किया, उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी है। एक बड़ा क्रांतिकारी काम है और राजस्थान संपूर्ण देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने शहरों में रोजगार की गारंटी की व्यवस्था की है। और जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अपनी फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य पूरे देश में उसमें लागू करने का जो काम शुरू किया है, उसके दूरगामी परिणाम बड़े सुखद होंगे। राजस्थान वो राज्य है जिसने OPS लागू किया है। राजस्थान वो राज्य है जिसने किसानों को टारगेट करते हुए, किसानों को फोकस करते हुए, किसानों पर आधारित बजट पेश